हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जी हैं, यूपी डिफलेसी की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ रही है। 1 साल से रुकी नियुक्ति देने जा रहा है आयोग जी हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कार्यप्रणाली से आप सभी परिचित हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कितना धीमे काम करता है तथा कितना शिथिल है। पिछले करीब 6 महीने हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 2 छोटे छोटे रिजल्ट के अलावा आज तक कुछ भी काम नहीं किया है। ना कोई नोटिफिकेशन जारी की नोटिस जारी किया है, ना ही कोई विज्ञापन जारी किया है। इस तरह से आयोग की कार्यप्रणाली से अभ्यर्थी खासे नाराज चल रहे हैं। फिलहाल जो एक बड़ा आदेश हाईकोर्ट के माध्यम से मिला है, एक भर्ती के नियुक्ति का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जारी किया है। 1 साल से अभ्यर्थी नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे, फिलहाल आयोग ने उस पर नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दे दिया है। तो चलिए देखते हैं किस भर्ती की बात हो रही है और क्या है पूरी खबर। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इसी तरह के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग ने 729 लैब टेक्नीशियनों की नियुक्ति का आदेश जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार को यूपी ट्रिपल एस सी से चयनित 729 लैब टेक्नीशियनों की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। यह सभी लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे। कोविड महामारी को देखते हुए हाईकोर्ट ने भी इन लैब टेक्नीशियनों की नियुक्ति का आदेश जारी किया था, लेकिन 1 सप्ताह से वह भी लंबित था। शनिवार को अमर उजाला ने लैब टेक्नीशियनों की नियुक्ति न होने की खबर प्रकाशित की थी। गौरतलब है कि अक्टूबर 2016 में लैब टेक्नीशियन पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। जुलाई 2019 में इसका अंतिम परिणाम आया था, लेकिन कोर्ट केस होने के कारण नियुक्ति नहीं मिल पा रही थी तथा नियुक्तियां अभी तक लंबित थीं। कोरोना महामारी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने हाई कोर्ट में जल्द ही सुनवाई की अपील की थी। इसी आधार पर हाई कोर्ट ने नियुक्ति का आदेश जारी किया था, लेकिन यह आदेश अगली सुनवाई में आए फैसलों के अधीन रहेगा। तो इस प्रकार से जुलाई 2019 में रिजल्ट आया था आपका, जुलाई इस समय मई 2020 चल रहा है, अब जाके इनको नियुक्ति की आस है। फिलहाल कोरोना के संकट में नियुक्ति मिलना तो बहुत कठिन काम है, लेकिन नियुक्ति का आदेश जरूर जारी हो गया है। तो ये बड़ी अपडेट रही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से कि चलिए आखिरकार किसी भर्ती में नियुक्ति पत्र तो अभ्यर्थियों को मिलने जा रहा है इस आयोग में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।